देश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। दिन में तेज गर्मी और रात में सर्द हवाओं का सामना कर रहे कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं हैं। इसकी जानकारी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इससे पहले भी विदर्भ, झारखंड, हिमाचल, पश्चिम बंगाल समेत कई इलाकों में बारिश देखी जा रही है। आईएमडी ने रविवार को जानकारी दी है कि 21 मार्च तक पश्चिम बंगाल में आंधी तूफान की संभावनाएं हैं। वहीं झारखंड, ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 20 मार्च तक तेज हवाओं और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं बिहार में 21 मार्च तक इस तरह का मौसम बना रह सकता है। विभाग का कहना है कि विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 19 मार्च तक ओलावृष्टि के भी आसार हैं। साथ ही ओडिशा और झारखंड में 19 मार्च को ओले गिर सकते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड में 19 और 20 मार्च को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 23 मार्च तक हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इन राज्यों के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहने वाला है। इसके अलावा दिन और रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि आगामी 7 दिन के अंदर तापमान में बढ़ोतरी होना तय है। इसके साथ ही रात के पारे में 4% तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। वहीं 18 से 21 मार्च के बीच असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बादल गरजने के साथ हल्की बारिश होने की आशंका जताई गई है। इसके साथ इन जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। अन्य राज्यों की बात करें तो मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार केरल माहे में अगले 4 दिन, तमिलनाडु में 3 दिन, पुडुचेरी करैकल में अगले 2 दिन तक मौसम गर्म रह सकता है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, मराठवाड़ा में भी बारिश के आसार हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।